हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानिका समझियाल में। और आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह के नाश्ते के लिए सब्जी, जो कि है आलू शिमला मिर्च। आई नो कि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से और डिफरेंट टाइप से बनाते होंगे, बट मैं अपना वर्जन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं आलू शिमला मिर्च किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही ईजी है और बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। आइए फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मेरे पास कुछ शिमला मिर्च थी, जिनको मैंने अच्छे से धुल लिया था और इस तरीके से उसके बीज हटा के उसको चॉप कर लिया है स्क्वायर शेप में। आप कैसे भी इसको कट कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा छोटा नहीं इसको कट करना है, क्योंकि जब इसको हम बनाएंगे तो शिमला मिर्च बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसको बिल्कुल छोटे आपको कट नहीं करने हैं, थोड़ा इस तरीके से रखना है, थोड़ा ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ से ये मैंने कट कर दिए हैं। और अब मैं इसके लिए दो प्याज ले रही हूँ, जिसको मैंने स्लाइस में चॉप कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, रेसिपी को शेयर कीजिएगा और अपने घर पे एक बार ट्राई करके बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे लगा। यहाँ पे मैंने सारे प्याज कट करके रख लिए हैं। सरसों का तेल चढ़ा दिया था, आप कोई भी तेल जो भी आप खाते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हुआ तो मैंने शिमला मिर्च डाल दी है इसमें और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा बिल्कुल हमें 50-60% इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना कि ये हल्का सा वाइट होने लगे ऊपर से, जो उसकी स्किन है अपर जो उसका पार्ट है वो थोड़ा सा इस तरीके से फ्राई हो जाए कि दिखने लगे। और उसके बाद मेरी फ्राई हो चुकी थी शिमला मिर्च, मैंने हटा दिया, उसी में मैंने आलू को डाल दिया है। आलू को भी आपने 50-70% आपको इसको फ्राई करना है। आलू को थोड़ा ज़्यादा इसलिए फ्राई कर रहे हैं कि आलू थोड़ा हार्ड होता है तो वो सॉफ्ट हो जाए, और शिमला मिर्च सॉफ्ट होती है तो उसको हमें इसलिए ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो वो जैसे हम बाद में उसको डालेंगे तो बहुत जल्दी वो सॉफ्ट हो जाएगी। फिर हमने आलू भी फ्राई कर लिए थे, अपने प्याज को डाला है जो स्लाइसेस के प्याज के, उसको खोल कर डाल दिया है, उसको हमने बिल्कुल ब्राउन होने तक भूनना है। ये देखिए हमने लगाया ना ब्राउन, बस इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़्यादा काला नहीं करना है, इस स्टेज तक आपको उसको फ्राई करना और निकाल लेना है। फिर मैंने तेल बिल्कुल कम कर लिया है, इसमें बहुत छोटा थोड़ा सा तेल छोड़ा है। इसमें मैंने जीरा डाला है, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है जो कि मैंने रफली कूटा है, इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जैसे ही फ्राई हो गए फिर मैंने इसमें डाल दिया अपना प्याज, एक छोटा प्याज था उसको मैंने ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था। उसको हम भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना, बस पिंकिश कलर तक प्याज का हमें तब तक भूनना है। और प्याज का जैसे ही कलर पिंकिश होने लगा, भूनने लगा, उसके बाद हमने यहाँ पे एक दो छोटे टमाटर थे उसको रफली चॉप करके डाल दिया है, और इसको हमने अब ढक के पकाना है 5-7 मिनट तक मसालों के साथ। नमक, हल्दी, धनिया, चुटकी गरम मसाला, इसके अलावा कुछ मसाले इसमें नहीं डालने हैं। और अब हमें भून लेना है अच्छे से प्याज टमाटर को अपने मसालों के साथ, ताकि हमारा मसाला जो है वो कच्चा ना रहे और हमारा प्याज टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ढक के हम 5-7 मिनट हमने पकाया है इसको। ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है बहुत, इसको इस तरीके से अच्छे से मैंने दबा दिया। और यहीं पर अपने आलू शिमला मिर्च जो हमने फ्राई किए थे वो डाल दिए हैं। ये देखिए, कोई कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, कोई किचन किंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, कोई खड़े मसाले नहीं है, सिंपल मसालों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी। बस इसको हम ढक के पका लेंगे 15 मिनट तक। और ये देखिए हमारी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार है। कलर देखिए दोस्तों, ये देखिए कितनी खिली खिली हमारी शिमला मिर्च बनी है। हमारे आलू बहुत अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि हमने फ्राई पहले ही कर लिए थे दोनों को, आलू और शिमला मिर्च को, जो कि बहुत अच्छे से पक चुके थे। हमारी सब्ज़ी रेडी है, अब इसको हम देखिए प्लेटिंग कर लेते हैं। जिसके लिए जो हमने प्याज भूने थे उससे पहले उसकी एक लेयर बना लेंगे इस तरीके से। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। फिर इसको आप हम टेस्ट के अकॉर्डिंग खा सकते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, जैसा भी आप खाना चाहे खा सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने प्याज पहले जो फ्राई किया था उसको इस तरीके से रखा, फिर उसके ऊपर आलू शिमला मिर्च डालें। और ये देखिए आलू और शिमला मिर्च को देखिए कितनी अच्छी खिली खिली सब्ज़ी बनी है, ना ज़्यादा पक वैसे नहीं हो गई, गल सी नहीं गई है, खिली खिली हमारी आलू शिमला मिर्च बनी है। फिर ऊपर से हमने प्याज का एक लेयर और लगा दिया है, ये देखिए दोस्तों। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे ज़रूर रेसिपी को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये थी हमारी आज के सुबह के नाश्ते में आलू शिमला मिर्च, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनके तैयार हो गई थी। एक बार ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप किस तरीके से आलू शिमला मिर्च बनाते हैं। और अगर आपको रेसिपी सच में अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी नई रेसिपी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय, एंजॉय।